स्वागत है आप सभी लोगों का द मास्टर प्रकाश क्लासेस के यूट्यूब चैनल में। आज इस वीडियो लेक्चर्स में आपको डायरेक्शन और डिस्टेंस से रिलेटेड क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेगा, अर्थात जो आपका दिशा चैप्टर्स होता है वहां से कुछ क्वेश्चंस लेके आए हैं। जैसा कि पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिया गया है और फटाफट आपको बताना है, किसी भी एग्जाम की तैयारी अगर कर रहे हैं आप, उसमें रीजनिंग पूछा जाता है, तो ये मान के चलिएगा डायरेक्शन एक ऐसा चैप्टर्स है वहाँ से क्वेश्चंस पूछे ही पूछे जाते हैं। पहला यहाँ पे देखिएगा, क्वेश्चंस आपके स्क्रीन पे दिया गया है और इसमें आपको बताना है कि कौन सा राइट आंसर है। जब भी ऐसे क्वेश्चंस आ जाएं, और हम आपको बता दें कि डायरेक्शन हमने आपको डिटेल्स में पढ़ाया है, हमने ये भी बताया है कि डायरेक्शन में सिंगल ऐसा क्वेश्चन नहीं है जिसमें आप फिगर बनाने की आवश्यकता है, ठीक। विदाउट फिगर सारे क्वेश्चंस को आप सॉल्व कर सकते हैं। कैसे? एक तो हम आपको फिगर बना के दिखा दे रहे हैं, बाकी ट्रिक से। जैसे देखिए, आप कह रहा है कि यहाँ से आपसे वो पूछ रहा है कि वह किस दिशा में चल रहा है, ठीक ना। ये आपका पहला टाइप हमने आपको बताया था, इसी को क्या कह देते हैं भैया, मूविंग डायरेक्शन, या फिर आपका क्या होता है, इसी को क्या कह देते हैं, फेसिंग डायरेक्शन से रिलेटेड क्वेश्चंस कहते हैं। देखिए, एक व्यक्ति है जो उत्तर की ओर जा रहा है, तो सबसे पहले आप क्या लिख लीजिए भैया, उत्तर, ठीक। हमने बार बार आपको बताया है कि दायां का मतलब क्या होता है भैया, राइट होता है, और बायां का मतलब क्या होता है, एल, मतलब राइट हैंड और लेफ्ट हैंड, ये बायां का मतलब क्या हो जाएगा, एल। तो जैसे जैसा कहा है वैसा वैसा आप करते जाइए। कह रहा 100 मीटर, यहाँ से देखिएगा उत्तर की ओर 100 मीटर चलने के बाद में वह दाई ओर मुड़ता है, तो दाई ओर उसको मोड़ दीजिए, और वह 50 मीटर चलता है, फिर वह दाई ओर मुड़ता है, तो इसको दाएँ मोड़ दीजिए, और 100 मीटर चलता है, अंत में वह अपनी बाई ओर मुड़ता है, किधर मुड़ता है भैया, बाई ओर मुड़ता है, और 20 मीटर की दूरी वो क्या करता है, तय करता है। तो आपको बताना है कि वह व्यक्ति अब किस दिशा में चल रहा है, बाई ओर मुड़ता, मतलब यल, ये। तो जब भी आपके एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस आए, जैसे अगर यहाँ पे हम आपको दिशा दिखाएं, तो ये आपका क्या हो जाता भैया, ये आपका ईस्ट मतलब पूरब, ये आपका क्या हो जाएगा पश्चिम, ये ऊपर आपका उत्तर, और नीचे आपका क्या हो जाएगा भैया, दक्षिण। तो जब भी ऐसे क्वेश्चंस आए, आपको फिगर बनाने की आवश्यकता नहीं है, बस यहाँ पे देखिएगा जहाँ जहाँ पे आपको लेफ्ट राइट दिखे उसको क्या करिए, आपस में कैंसल आउट। अब बचा क्या आपके पास है, राइट, तो ये जो दिशा दी गई है इसी का आप राइट ले लीजिए। उत्तर के राइट में कौन सी दिशा आपकी होती है बताइए, पूरब, तो वह व्यक्ति अब किस दिशा में चल रहा भैया, पूरब की दिशा में चल रहा, तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, बी बिल्कुल सही जवाब आपका होगा, ठीक। अगला क्वेश्चन चलिए बताइए फटाफट आप लोग, ये भी आपका हूबहू उसी तरीके से है। देखिए यहाँ पे निर्देश भी जिस प्रकार प्रारंभिक दिशा उसी प्रकार ठीक ना आपको अंतिम दिशा, इस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखिएगा, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, वो हमसे कह रहा है कि वह व्यक्ति अब किस दिशा में चल रहा है, तो आई होप ये भी आप आसानी से आप इसको लगा सकते हैं। जैसे ये देखिएगा हमसे क्या कह रहा है, उस व्यक्ति का मुख किस दिशा में है, तो ये भी आप लगा सकते हैं। जैसे देखिए, यहाँ पे दो दिशा दिया गया है, तो इसको हम बता दे रहे हैं, ये आपका कौन सा भैया, एक व्यक्ति है जो उत्तर पश्चिम, बातें समझ रहे हैं, किस दिशा में चल रहा है, उत्तर पश्चिम की ओर चलता है, ये 80 मीटर चलने के बाद में वह किधर मुड़ता है, दाईं ओर, तो दाईं इसको मोड़ दीजिए, ठीक ना भैया, 80 मीटर चलने के बाद दाईं ओर, फिर कह रहा है 40 मीटर चलने के बाद वह बाईं ओर मुड़ता है, बाईं ओर, बायां मतलब यल, और वो कितना चलता भैया, 30 मीटर चलता है, इसके बाद में पुनः वह बाईं ओर मुड़ता है, इसके बाद वह पुनः बाईं ओर मुड़ता है, तो पुनः वह बाईं ओर मुड़ता है और 30 मीटर चलता है, फिर कह रहा है कि दाईं ओर मुड़ता है और 50 मीटर चलता है, फिर वह दाईं ओर मुड़ता है और कितना, 50 मीटर, अंत में वह दाईं ओर मुड़ता है, अंत में वह किधर मुड़ता है भैया, दाईं ओर मुड़ता है, ठीक, और 40 मीटर चलता है। अब उस व्यक्ति का मुख किस दिशा में है, या यही क्वेश्चन कह देता कि बताइए उस व्यक्ति का फेस किस दिशा में है, तो जरूरत से ज़्यादा अभी हमने आपको ट्रिक बताया, ट्रिक हमने क्या बताया कि जब भी आपको लेफ्ट राइट दिखें तो आप आपस में उसको क्या करिए, कैंसिल आउट। जैसे यहाँ पे देखिएगा, एक ये लेफ्ट इस राइट से कैंसिल, एक लेफ्ट ये इस राइट से कैंसिल, मेरे भाई डायरेक्शन में अगर आप देखें तो ये आपका क्या होता है, पूरब होता है, ये आपका पश्चिम होता है, ये आपका उत्तर होता है, और ये आपका क्या होता है, दक्षिण। ये बीच वाली दिशा जो आपकी होती है उत्तर पूर्व होती है, ये आपकी पश्चिम दक्षिण होती है, और ये आपका क्या हो जाएगा भैया, पूरब और दक्षिण, और ये पश्चिम और क्या हो जाएगा, उत्तर। अब उस व्यक्ति का फेस किस दिशा में है, उत्तर और पश्चिम की तरफ, मतलब उस व्यक्ति का फेस इधर है,
बातें समझ रहे हैं भैया? उस व्यक्ति का फेस किधर है? उस व्यक्ति का फेस अगर आप ध्यान दें तो उस व्यक्ति का फेस इधर है, कोई दिक्कत? अब आपको यहाँ से देखिएगा क्या मुड़ना है, राइट। एक एक बार ही तो आपके पास राइट बचा है, तो इसी का आप राइट घूम जाइए। अगर यहाँ पे है और राइट का मतलब हमने आपको बताया था क्या, क्लॉकवाइज, ठीक ना भैया? तो इसका राइट इधर ही तो होगा। तो एक बार अगर आप यहाँ पे हैं आपका फेस और राइट घूमेंगे तो राइट हमेशा कितने डिग्री पे घूमा जाता है, 90 डिग्री पे। तो ये इसका राइट हो जाएगा, तो ये आपका फेस किस तरफ हो जाएगा भैया, बोलो? उत्तर पूर्व की दिशा में, ठीक ना भैया? उत्तर पूर्व। आपका फेस अगर पश्चिम और किधर है, उत्तर की तरफ है, तो जब आप, ठीक ना भैया, राइट घूमेंगे तो आपका फेस किधर हो जाएगा, उत्तर पूर्व की तरफ। तो कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, उत्तर पूर्व, ऑप्शन नंबर, ठीक ना भैया, डी इज द राइट आंसर। डी बिल्कुल सही जवाब होगा। आपको कहीं पे भी फिगर बनाने की आवश्यकता नहीं है ना, ऐसे कोई भी क्वेश्चन हो आपके एग्जाम में पूछा जाए तो आप कुछ ही सेकंड में इसको कैसे सॉल्व करेंगे, हमने आपको अप्रोच बताया। जहाँ पे आपको लेफ्ट राइट दिखे वहाँ पे चीज़ों को आप कैंसिल कर दीजिए और आसानी से अपने क्वेश्चन का आंसर आप फाइंड आउट कर सकते हैं। वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और ये ट्रिक, हर एक क्वेश्चन, इस टाइप के हर एक क्वेश्चन को आप कुछ ही सेकंड में उड़ा सकते हैं। बाकी इसमें अगर आप फिगर बनाएंगे ना भैया, तो अच्छे अच्छों का कोई ज़रूरी नहीं है कि आप आंसर ही ला पाएँ, लेकिन जो हमने ट्रिक आपको सिखाया है विदाउट, ठीक ना, फिगर्स, आप आसानी से चीज़ों को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए फिर मिलेंगे अगले लेक्चर्स में, तब तक के लिए आप लोगों का धन्यवाद।